वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है इनर्शियल कोफिशिएंट। आज हम समझेंगे कि इनर्शियल कोफिशिएंट क्या होता है, इसका स्टडी हम क्यों करते हैं और आपके एग्जाम के पर्पस से ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडीज जिन पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो फिर भी उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। लाइक मेटेलिक रॉड, मेटेलिक रॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी। मेरे पास जो मार्कर है, यदि आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या इसकी शेप में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी। उसके बाद हम बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन के बारे में कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। इफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और वहाँ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैलकुलेट की थी कि एक रोटेटिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। उसका रिजल्ट निकल के आ रहा था आई डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो। और वहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे थे कि ओमेगा क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। वहाँ हमने डिफाइन किया कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सटर्नल टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन जहाँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है तो वहाँ एक्सटर्नल टॉर्क भी है, डीजी बाय डीटी इक्वल टू टो। ओके, सो नाउ आज हम बात करते हैं इनर्शियल कोफिशिएंट। इनर्शियल कोफिशिएंट्स होते क्या है, इसकी नीड क्यों हुई है? यदि हम इनर्शिया की बात करें, नॉर्मल इनर्शिया की बात करें, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बनी रहती है, और यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहती है जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। सिमिलरली यदि कोई बॉडी रोटेटिंग मोशन में क्या है, रोटेटिंग मोशन में है या फिर रोटेट कर रही है, तो वो बॉडी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है या फिर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहेगी और कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करती रहेगी जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नॉर्मल यदि हम न्यूटन्स लॉ की बात करें, वहाँ पे हमने इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझा था, एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने समझा था वहाँ पे कि कोई बॉडी यदि रेस्ट पे तो रेस्ट पे बनी रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो। सिमिलरली यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करें कि कोई बॉडी रोटेटिंग है, यदि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है या रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बनी रहेगी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करती रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई कर दो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से या फिर इनर्शियल कोफिशिएंट से। तो समझ आया हमें इनर्शियल कोफिशिएंट पढ़ने की नीड क्यों हुई? बिकॉज आप यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया की बात कर रहे हो तो उसका फिजिकल टर्म, उसको फिजिकली जो मेजर किया जाता है वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से किया जाता है या फिर इनर्शियल कोफिशिएंट के थ्रू किया जाता है। दैट्स वाई हमें इसका स्टडी करने का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि व्हाट इज इनर्शिया, और यदि हम बात करें रोटेशनल मोशन में तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होता है और इनर्शियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। सो इफ अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, it will be remain at rest or moving with uniform velocity in a straight line unless no external force applied on it. ठीक है, नॉर्मल न्यूटन्स लॉ की हम बात करें तो ये न्यूटन्स लॉ ही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि आप कोई बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो यदि वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे बनी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। सिमिलरली इफ अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अंटिल नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, एंड इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शियल कोफिशिएंट। और इसको मेजर किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और इनर्शियल कोफिशिएंट से। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे इनर्शियल कोफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो, एग्जाम में आता है, रिजिड बॉडी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन निकालना होता है इनर्शियल कोफिशिएंट्स का।
कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इनर्शियल कोएफिशिएंट्स, ओके, और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको स्टार्टिंग यही से करनी है, पहले आप समझाओगे कि इनर्शियल कोएफिशिएंट क्या है, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। कर दो इरेज। देखो अब इनर्शियल कोएफिशिएंट पूरा डेरिवेशन करते हैं इसका, कि किस तरह से इनर्शियल कोएफिशिएंट हमारे पास निकल के आते हैं। देखो इनर्शियल कोएफिशिएंट हमें डेराइव करने के लिए क्या करना है, एक बॉडी कंसीडर करनी है। तो हम यहाँ एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं जो कि n डिस्क्रीट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। सो वी कंसीडर हियर, वी कंसीडर अ बॉडी ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स रोटेटिंग अबाउट इट वन एक्सिस, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर दिया कि हम यहाँ एक एम मास की बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जो कि एन डिस्क्रीट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, इफ एम आई वी आई एंड आर आई आर द मास वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ आईथ पार्टिकल सो एंगुलर मोमेंटम विल बी बताओ क्या होगा। आपको एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है इस बॉडी के लिए, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। वी नो द बेसिक फॉर्मूला, जे इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन आर क्रॉस पी। ओके, पी यहाँ पे क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंड हाउ यू डिफाइन, पी इक्वल टू एम वी आई। ठीक है, सो पुट कर दे, यहाँ पे हमने जैसे ही वैल्यू पुट की है तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ रहा है क्रॉस एम वी आई। ओके, एंड वी नो रिलेशन बिटवीन वी आई एंड ओमेगा आई। बताओ आप क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन वन छोटा सा डेरिवेशन है, कर लो आप इसको, लिखते जाओ, बहुत ईजी है। सो इक्वेशन 1, j इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n r i क्रॉस m i। ठीक है, पुट करो, हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यदि हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, ओमेगा आई क्रॉस आर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया क्या किया है, हम एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जो कि n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बनी है। उसके बाद हमने डिफाइन किया कि एम आई वी आई आर आई आर द मास वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ ए आईथ पार्टिकल, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम होता है, पी की वैल्यू हमने वी पुट की है, एंड वी इज द लीनियर वेलोसिटी। वी नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी आई इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई। तो हमने वी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से बन रहा है, जे इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन आर आई क्रॉस एम आई ओमेगा आई आर आई। ठीक है, करे अब आगे इसको सिंप्लीफाई। अब देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है इसको, स्नैपशॉट ले लो आप, कर दो थोड़ा सा इरेज, लिख रहे हो तो मैं थोड़ा सा ही इरेज कर रही हूँ ऊपर का, नहीं तो स्नैपशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। देखो इधर अब तो एक्सप्रेशन ये है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जे इक्वल टू क्या है एक्सप्रेशन, आई इक्वल टू 1 टू एन, एम आई स्केलर है इसलिए मैं इसको बाहर लिख सकती हूँ, एंड एक्सप्रेशन आपका रिमेनिंग आर आई क्रॉस ओमेगा आई क्रॉस आर आई। ठीक है क्या ये, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यदि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट कितना आता है, बी डॉट बी बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, यही आता है ना। तो अप्लाई कर दो,
यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 n m i, ओके। बी बी यहाँ पे क्या है, ओमेगा आई, ठीक है, और आर आई डॉट आर आई। कोई डाउट, जस्ट सिंपल हमने ए बी से इनको नाम दिया है और ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, ओके। एंड एंड माइनस माइनस सी, व्हाट इज सी, सी इज आर आई वेक्टर, ठीक है। और ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब आर आई डॉट ओमेगा आई, ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, नहीं है, जस्ट सिंपल हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, ओके। सो नाउ इफ इफ ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एक्स आई के, ओमेगा वाई जे के एंड प्लस ओमेगा जेड के, ठीक है। एंड एंड आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, सिंपल हमने टर्मोलॉजी डिफाइन की है, ठीक है। तो आर डॉट ओमेगा बताओ क्या आएगा, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट वन होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स ओमेगा एक्स, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट वन होता है, तो आई का आई के साथ होगा, जे के साथ होगा, के के साथ होगा, आई का जे की और के की बात करें तो वहां पे जीरो आएगा, ठीक है। वाई तो वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड, तो हमने आर डॉट ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है। और ओमेगा क्या है आपके पास, ये है, एंड जे, जे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कंपोनेंट्स में, तो कितना आएगा, जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के, ठीक है। सो ये वैल्यूज हम अबाव इक्वेशन में पुट कर रहे, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, देखो एक बार, जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के, ठीक है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n m i m i, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ओमेगा ओमेगा आई, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के, ठीक है। आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इट मीन आर आई स्क्वायर, ओके। माइनस माइनस आर आई, आर आई को पहले आर आई लिख लो ताकि सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा आपके पास। और आर डॉट ओमेगा, आर डॉट ओमेगा हमने सिंप्लीफाई किया है ना, कितना आ रहा है, एक्स ओमेगा वाई प्लस वाई ओमेगा वाई, यहाँ पे एक्स ओमेगा एक्स करना, ठीक है, प्लस जेड ओमेगा जेड, ये रहा आपका एक्सप्रेशन वैल्यूज पुट करने के बाद। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो किस तरह से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यही लिख रही हूँ, दिख रहा है ना आपको, जे जेड के, ठीक है। देखो अभी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, आप भी लिखते जाना, एम आई, यहाँ पे देखो टैम इज ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के, ठीक है, इसका क्या है, आर आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस आर आई को आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स ओमेगा एक्स वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड से। एक बार देख लो आप, अच्छे से देख लो, इधर देखो, आई रिपीट अगेन, जस्ट सिंपल ये रहा एक्सप्रेशन, यहाँ हमने आर डॉट ओमेगा की वैल्यू पुट किए हैं, आर डॉट ओमेगा आपके पास कितना आ रहा है, एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड, ठीक है। आर आई, आर आई इज द पोजिशन वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। ओमेगा आई, ओमेगा इट मीन ओमेगा एक्स आई के ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट की है इस एक्सप्रेशन में। जैसे ही इस एक्सप्रेशन में वैल्यू हमने पुट की तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ रहा है,
ठीक है। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें आई का आई के साथ कंपेयर करके जे एक्स निकालना है, जे वाई निकालना है और जे जेड निकालना है। तो इजी है ना ये, तो क्या करना है, इधर आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर लो, जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर लो, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर लो, तो आपके पास जे एक्स जे वाई और जे जेड निकल के आ जाएगा। देखो एक करते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई, ऊपर का कर दो मेरे, देखो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जेएक्स यदि मैं इसमें बात करूं तो जेएक्स आप खुद बताओ जेएक्स कितना आ रहा है यहाँ पे, आई कंपोनेंट ना, इधर आई कंपोनेंट देखो, आई कंपोनेंट क्या बन रहा है, एम आई ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, ठीक है। एम आई, अब इधर आई का कंपोनेंट देखो, ये आई का कंपोनेंट कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गलती मत करना, चलो मैं कंप्लीट लिखवाई देती हूँ आपको, आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस आई इक्वल टू वन टू एन एम आई एम आई, यहाँ देखना आप है ना एक्स एक्स आई एक्स आई, ये एक्स आई इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स ओमेगा वाई प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड। कोई डाउट है क्या, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहले ऐसा करो इस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस जे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, नहीं तो समझ ही आ रहा है ये अपने आप में कि ये जो कंपोनेंट है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमने आई कंपोनेंट को कंपेयर कर लिया। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो जे एक्स आपके पास कितना आ रहा है, देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एम आई ओमेगा एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इज एम आई, यहाँ समीशन लगा लेना, ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, यहाँ मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, देखो फिर गलती कर रहे ना, यहाँ पे क्या है ओमेगा एक्स है, ओमेगा एक्स है, ठीक है, एंड माइनस समीशन ऑफ एम आई, समीशन ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई ओके ओमेगा वाई, एंड नेक्स्ट टर्म इज समीशन ऑफ आई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, ओके दिस इज जे एक्स कंपोनेंट, दिस इज जे एक्स कंपोनेंट, कोई डाउट नहीं है ना। सिमिलरली जे वाई कंपोनेंट बताओ आप, अब तो खुद निकाल लोगे ना, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ कंपेयर करना है, तो कर लेते हैं जे वाई, अब इधर का देखो जे कंपोनेंट ये रहा एम आई समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई जे कंपोनेंट ये रहा ना ओमेगा वाई आर आई स्क्वायर माइनस माइनस ओके जे कंपोनेंट ये रहा, तो वाई आई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एम आई लिखना है ना, एम आई अच्छे से लिख लो चलो माइनस समीशन ऑफ एम आई वाई आई, और ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली करना, हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। देखो अब आगे इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जे वाई आपके पास कितना आ रहा है, इधर देखो एक बार आई इक्वल टू वन टू एन एम आई, ठीक है, ओमेगा वाई यदि मैं कॉमन लूँ यहाँ पे, ओमेगा वाई कॉमन लूँ तो आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर बन रहा है क्या ये, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा वाई यहाँ पे कॉमन था, एम आई कॉमन था, तो मैंने सेकेंड टर्म से ये कॉमन लेके पहले ही लिख लिया है, माइनस ऑफ देखो अब रिमेनिंग टर्म इज समीशन ऑफ एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स, यहाँ पे आई लगाना, आई कंपोन आई एथ पार्टिकल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, आई एथ पार्टिकल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, माइनस समीशन ऑफ एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड। सिमिलरली बताओ जे जेड कितना आएगा, खुद से करो अब, आई इक्वल टू वन टू एन एम आई ओमेगा जेड आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर ओके, एंड माइनस समीशन ऑफ आई एम आई, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस जेड को जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा एक्स एक्स माइनस समीशन ऑफ आई एम आई जेड
जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, ये रिमेनिंग टर्म y ओमेगा y, दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है, नाउ इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइन करें. आर स्क्वायर होता क्या है, वी नो आई इक्वल टू कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अब हम तीनों इक्वेशन की बात करें, तीनों इक्वेशन की यदि हम बात करें तो इन तीनों इक्वेशन में आप बताओ क्या हम इस टर्म को आई एक्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4. इन इक्वेशन 2, 3 एंड 4 या फिर बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 4. देखो इक्वेशन नंबर 2 में देखो आप, इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, अच्छे से देखना. आई एक्स एक्स समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर. हमने इसको क्या डिफाइन किया, आई एक्स एक्स. आई क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया विच इज डिफाइंड बाय एम आर स्क्वायर. ठीक है, आई एक्स वाई, आई एक्स वाई आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, समेशन ऑफ आई माइनस का माइनस लगाना है ना, माइनस समेशन ऑफ आई. आप खुद बताओ क्या है टर्म इज, बताओ एम आई एक्स आई वाई आई. ओके, और आई एक्स जेड की यदि मैं बात करूं तो समेशन ऑफ आई माइनस का एम आई, माइनस साइन आप आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का एम आई एक्स आई जेड आई, दिस इज आई एक्स जेड. एम आर स्क्वायर होता है ना, देखो एम आर स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर कंपोनेंट स्क्वायर के फॉर्म में बन रहे हैं ना. एंड आई वाई एक्स, बताओ आई वाई एक्स क्या होगा, ये रहा कंपोनेंट, लिख ही लेते हैं यहाँ पे, दिस इज आई एक्स एक्स, दिस इज आई एक्स वाई. हम इसको नेम दे रहे हैं, आप समझो इसकी हम नेमिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम मैट्रिक्स बना सकेंगे इससे. ठीक है, एंड ये रहा, दिस इज आई वाई वाई, दिस इज आई वाई एक्स एंड दिस इज आई वाई जेड. तो बताओ आप क्या आ रहा है, आई वाई एक्स माइनस समेशन ऑफ एम आई आई y of i x i and i y y. i y y बताओ, i y y क्या है, summation of i m i r i square minus y i square and i y z will be summation of i m i and y i z i. ठीक है, इस तरह से हमने ये components निकाल लिए. अभी पता चल जाएगा ये है क्या, i z x बताओ, i z x ये रहा समेशन ऑफ आई एम आई जेड एक्स, ये भी आई. ओके, जेड वाई बताओ, समेशन ऑफ आई एम आई ये रहा जेड वाई, माइनस का है ये. ठीक है, ध्यान रखना माइनस के हैं ये. और आई जेड जेड कितना आ रहा है, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर. दिस 9 कंपोनेंट्स आर नोन एज इनर्शियल कोफिशिएंट. इन 9 कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं. और वैल्यूज किस तरह से निकाली है, जस्ट हमने जे एक्स को कंपेयर किया, जे वाई को कंपेयर किया और जे जेड को कंपेयर किया, इट मीन आई जे एंड के तीनों यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर करके इनकी वैल्यूज निकाली. इनकी वैल्यूज निकालने के बाद हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर. तो हमने इस तरह से इनकी कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिए. दीज 9 कंपोनेंट्स आर नोन एज, दीज 9 लिख लेना इनको, दीज 9 कंपोनेंट्स आर known as inertial coefficient. Inertial coefficients. इन्हें ही हम inertial coefficients बोलते हैं. Okay? यदि हम इनकी values above equation में put करें, लिख लो पहले इसको 2, 3 and 4 में put करें, तो आपके पास equations क्या बनेगी, एक बार देखते हैं. So करें आगे, from these equations, इसको equation number दे दो आप 5, 6, 7 जो भी देना चाहते हो, बट दीज 9 कंपोनेंट्स आर नोन एज इनर्शियल कोफिशिएंट्स. अब इन इनर्शियल कोफिशिएंट्स को हम अबव इक्वेशंस में पुट करते हैं 2, 3 एंड 4 में, तो आपके पास इक्वेशंस क्या बनती है, देख लो एक बार क्या इक्वेशंस बनेंगे. इक्वेशंस आपके पास क्या बनेगी, पुट कर दो इन वैल्यूज को. जैसे हम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 में इक्वेशन ये पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4
बताओ जे एक्स आपके पास क्या आएगा, दिस इज आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स वाई और आई एक्स जेड ओमेगा जेड. सिमिलरली जे वाई कितना आएगा, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड. और जेड बताओ, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड. ठीक है, ये आपके पास तीनों इक्वेशंस निकल के आ रही है. ठीक है, नाउ इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हम लिखें तो जे एक्स जे वाई जे जेड क्या आ रहा है, आई एक्स एक्स आई वाई एक्स आई आई एक्स वाई आई एक्स जेड लिख लो. आप बना लोगे ना मैट्रिक्स फॉर्मेशन, तो बनाना आता है आपको. आई जेड जेड और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड. दिस इज मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ इनर्शियल कोफिशिएंट. दिस इज मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इनर्शियल कोफिशिएंट. इनर्शियल ओके, ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन है इनर्शियल कोफिशिएंट्स का. ओके, सो नाउ यदि हम आई एक्स एक्स कंपोनेंट की बात करें तो आई एक्स एक्स होता क्या है, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा था, एम आई आर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इफ वी सिंप्लीफाई दिस, आप यदि इसको सिंप्लीफाई करते हो, आर आई स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, पुट करो वैल्यूज, आर आई की हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे एम आई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये किस चीज को शो करता है, आई एक्स एक्स कंपोनेंट किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन. आया समझ, कि जो कंपोनेंट है वो किस चीज को शो कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहे हैं. सिमिलरली आई वाई वाई की बात करूं, आई वाई वाई तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, समेशन ऑफ एम आई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड आई जेड जेड की यदि हम बात करें, आई जेड जेड आपके पास कितना आएगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये किस चीज को शो कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डायरेक्शन ऑफ अ रिजिड बॉडी. और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड डायरेक्शन ऑफ अ रिजिड बॉडी. ठीक है, यदि हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अब करके देखना, डायगोनल एलिमेंट्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आई एक्स एक्स यहाँ मैं करके देख रही हूँ. देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, आई एक्स एक्स डायगोनल एलिमेंट्स यही होते हैं ना, देखो ये वाले, तो आप करके देखो इनका सम करके देखो कितना आ रहा है, आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड. यदि हम इनका सम करते हैं तीनों वैल्यूज का, आप सम करना तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, समेशन ऑफ आई टू एम आई आर स्क्वायर. ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो देखो आप, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आई एक्स वाई किसके बराबर है, आई वाई एक्स के. ठीक है, और आई करके देख लूँ, आई जेड एक्स किसके बराबर है, आई एक्स जेड के. और आई वाई जेड किसके बराबर है, आई जेड वाई के. ये वैल्यूज आ रही है ना, आप देख लेना, जेड वाई लिखी है आप यहाँ पे. तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है सेकंड ऑर्डर रैंक टेंसर की, जिसकी ऑर्डर कितनी है, रैंक कितनी है, टू. तो दिस इज सिमिलर टू सेकंड रैंक टेंसर. ओके, यू कैन इजीली से दिस इज आल्सो अ सेकंड ऑर्डर रैंक टेंसर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज सेकंड ऑर्डर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया टेंसर. अब हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है. यहां से 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको किस तरह से वहां पे डिफाइन करना है. लास्ट लेक्चर में की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला था, और हमारा रिलेशन ये निकल के आ रहा था, जे एक्स इक्वल टू दिस, जे वाई इक्वल टू दिस एंड जे जेड इक्वल टू दिस. ओके, सो नाउ हाउ यू डिफाइन इन प्रिंसिपल एक्सिस,
इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ रिजिड बॉडी को कंसिडर करते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और किस तरह से कंसिडर करते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इस रिलेशन में, उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए. इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन विल बी जीरो, दैट टाइम आप उस इनर्शियल फ्रेम की एक्सिस को क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस. Just simple, we consider a rigid body in inertial frame of reference, and in this relation non-diagonal elements will be zero. That time the axis of inertial frame of reference are known as principal axis. Okay? If we take an inertial frame of reference for a rigid body of that type, the value of non-diagonal elements, आप ये भी लिखना पहले, the relation between J and omega is this, ठीक है? For the value of non-diagonal elements, non-diagonal elements कौन कौन से, देखो IXY, IYX, IXZ, IZX, IYZ and IZY are equal to zero. Non-diagonal elements की यदि value zero होती है, तो इस type के inertial frame of reference की जो axis होगी, वो किससे जानी जाती है? Principal axis से जानी जाती है. Okay? This type of axis of inertial frame of reference is called principal axis. And in this case, IXY equal to IYX equal to IXZ equal to IZX equal to IZY and equal to YZ किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. और यदि हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो JX इक्वल टू रिमेनिंग दिस, JY इक्वल टू दिस एंड JZ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, JZ करो यहाँ पे एंड JZ इक्वल टू IZZ ओमेगा Z. तो इस तरह से एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से. ओके, नाउ हम यहाँ पे केस का स्टडी करते हैं. क्या J और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं? हमने यह रिलेशन निकाला, एक मैट्रिक्स बनाई J और ओमेगा की. तो यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या J और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं? एक बार करके देख लेते हैं. इधर देखो, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि J ओमेगा के पैरेलल नहीं होता. तो वी नो JX, JY एंड JZ क्या निकल के आ रहा है, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखा है ना प्रीवियस लेक्चर में, द वैल्यू ओमेगा X, XY, ओमेगा Y प्लस XZ, ओमेगा Z, YX, ओमेगा X, IYY, ओमेगा वाई, आई वाई जेड, ओमेगा जेड, आई जेड एक्स, ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई, ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड, ओमेगा जेड. द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम. ओके, इफ वी कंसिडर, देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इफ वी कंसिडर रिजिड बॉडी allowed to rotate along only x direction. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि J is not parallel to omega. तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि जो रिजिड बॉडी है वो केवल x डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रही है. तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा x i के, ओमेगा वाई जीरो होगा और ओमेगा जेड कंपोनेंट भी क्या होगा, जीरो, बिकॉज ये ओनली एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रही है. तो देखो अबव इक्वेशन से जे एक्स आपके पास कितना आएगा, देखो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, और जे वाई कितना आ रहा है, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, एंड जे जेड कितना आ रहा है, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स. वाई बिकॉज ओमेगा वाई जीरो है और ओमेगा जेड जीरो है. तो हम जे की बात करें तो जे कितना निकल के आएगा यहाँ से, जे एक्स आई के, जे वाई जे के प्लस जे जेड के के, पुट कर दो तीनों वैल्यूज यदि हम पुट करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, जे का जे इक्वल टू एक्स ओमेगा एक्स आई के प्लस वाई एक्स ओमेगा एक्स जे के प्लस आई ओमेगा जेड ओमेगा एक्स के. ओके, ये एक्सप्रेशन बन रहा है. नाउ आपको प्रूफ करना है जे इज नॉट पैरेलल टू ओमेगा. J is not parallel to omega, तो इस understood ना कि J का यदि हम omega के साथ cross product करेंगे तो कितना आना चाहिए, zero आना चाहिए, if J is parallel to omega. ठीक है, तो करके देख लेते हैं. यदि हम omega के साथ इसका cross product करते हैं और zero आ रहा है, तो you can say easily कि yes,
बोथ आर पैरेलल टू इच अदर, और यदि जीरो नहीं आता है तो ये प्रूफ हो चुका है कि जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे. ठीक है, तो करो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो करो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, जे और ओमेगा का करके देख लो. ये रही वैल्यूज जे क्रॉस ओमेगा, जे आई जे एंड के, बताओ क्या वैल्यूज है. जे की जितनी भी वैल्यूज है वो लिख लो, क्या है आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे आई वाई एक्स ओमेगा एक्स एंड आई ओमेगा जेड ओमेगा एक्स. ठीक है, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा एक्स कंपोनेंट है एंड दिस इज जीरो. इफ वी सिंप्लीफाई आई कैप, यदि आई कैप की बात करें दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो. ठीक है, माइनस का जे कैप, जे कैप की यदि हम बात करते हैं तो दिस इज जीरो एंड माइनस ऑफ ओमेगा एक्स स्क्वायर और आई यहाँ पे क्या है कर देना जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, क्या है क्या जेड एक्स, तो यहाँ पे भी जेड एक्स कर. ठीक है, तो ओमेगा आई जेड एक्स ओमेगा एक्स. ओके, नाउ आगे करो प्लस के, इसको हाइड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज जीरो एंड दिस इज माइनस ऑफ आई वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो जे ओमेगा कितना आ रहा है आपके पास, माइनस माइनस प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर आई जेड एक्स, जे के माइनस आई ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ये आपके पास वैल्यू आ रही है. ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यू कैन से इजीली कि जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते. यदि एक दूसरे के पैरेलल होते तो उसकी वैल्यू कितनी आती, जीरो. हमने यहाँ सिंप्लीफाई करके देखा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा है, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रही. इट मीन यू कैन से इजीली जे एंड ओमेगा आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर.